जूनियर वर्ल्ड कबड्डी चैंपियनशिप विनर जय भगवान जाट भगुला टीम इंडिया में ईरान को जबरदस्त धूल चटाकर हराने के बाद जीत के बाद घर आने पर किया भव्य स्वागत। मुंडावर उपखंड क्षेत्र से समीपवर्ती ग्राम पंचायत शील गांव की ग्राम जाट भगोला निवासी कबड्डी खिलाड़ी जय भगवान पुत्र हरी चौधरी ने टीम इंडिया में कबड्डी खेल मैदान में इंडिया ईरान के बीच हुए भर्षक मुकाबले में राजस्थान के अलवर जिला के मुंडावर तहसील के ग्राम पंचायत शील गांव के ग्राम जाट भगोला निवासी जय भगवान ने उर्मिया से ईरान में 7 दिवस तक चले वर्ल्ड कबड्डी चैंपियनशिप में ईरान की टीम को जबरदस्त पछाड़ते हुए 32-41 के अंतराल के साथ जीत को टीम इंडिया के नाम किया। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम जय भगवान है। मेरा नाम जवान में गांव जाट भगोला में खेलना स्टार्ट किया। जाट भगोला गांव से मैंने खेल के इंडिया टीम में भाग लिया। इंडिया टीम का यह सिलेक्शन होने के बाद ये गुजरात में कैंप लगा। इसका कैंप लगने के बाद हमारा सिलेक्शन हुआ, जिसके कोच अनूप कुमार और राजू बालियान कोच साहब थे। और यह टूर्नामेंट भारतीय टीम सिलेक्शन होने के बाद यह टूर्नामेंट उर्मिया ईरान में हुआ। इसका उद्घाटन 26 तारीख को था और समापन 5 तारीख का था। इसमें हमारी टीम ने ईरान को फाइनल में हराकर गोल्ड मेडल जीता। आपने जो आज ये कामयाबी हासिल की है, इसका श्रेय आप किन लोगों को देना चाहते हैं? इसका श्रेय मैं शुरू शुरू में जैसे गांव के सपोर्ट, जैसे हम खेलना शुरू किया तो गांव के आज मुझे सपोर्ट किया, कोच साहबों ने खिलाया। जैसे शुरू शुरू में स्कूली में खेला तो कोच साहब ने, मेरे पापा ने सपोर्ट किया जी मेरे, इस वजह से मैं आज इस गाँव पर पहुँचा हूँ। मैं अपने पापा को और अपने गाँव को सभी को सपोर्ट के साथ श्रेय देगा। वह जीत की ट्रॉफी पर अपने नाम की मोहर लगा दी। वहीं जीत के समाचार मिलने पर पूरे देश भर में खुशी का माहौल पैदा हो गया। विदित रहे कि पहले भी जय भगवान ने खेलो इंडिया के साथ यू मुंबा प्रो कबड्डी में भी ट्रॉफी को अपने नाम दर्ज किया था। मैं वर्तमान में बतौर हेड कॉन्स्टेबल दिल्ली पुलिस में तैनात हूँ। और आज जो हमारे छोटे भाई जय भगवान सेकंड वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप में जो गोल्ड मेडल लेके आए हैं, इसकी शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। और अगर मन से पूछो तो ये छोटे से गांव जाट भगोला के लिए बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। हम ये छोटे से गांव जाट भगोला से निकल के इंटरनेशनल लेवल पे जाके उर्मिया में जाके ईरान। मेरा नाम देवेंद्र सिंह, ग्राम पंचायत शील गांव, गांव जाट भगोला, वर्तमान सरपंच। जो आज जय भगवान ने इस पावन पंचायत का नाम रोशन किया है, पूरी पंचायत समिति का, पूरे ज़िले का, पूरे राजस्थान का, जो देश में नाम किया है, उसके लिए हम आज जय भगवान के घर पे इकट्ठे हो रहे हैं। सभी नौजवान साथी, गांव की माताएं, बहनें और बुजुर्ग, तो जय भगवान के ऊपर असीम कृपा है उन बुजुर्गों की जो इनके सर पर हाथ रख रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। और मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ, जय भगवान ऐसे ही आगे बुलंदियों को छूते रहे और इस छोटे से गांव को, जो आज तक इसको कोई जानता नहीं था, इस पंचायत को कोई जानता नहीं था, आज इस भाई ने हमारे गांव का, हमारी पंचायत का भारत में नाम करके और भारत को आगे ले जाके विदेशों में भी, जिससे खिलाड़ी जय भगवान ने देश दुनिया में अपने क्षेत्र के साथ साथ अपने गांव का भी नाम रोशन किया। जय भगवान का जन्म 2/8/2004 को अलवर जिला के मुंडावर तहसील के जाट भगोला में, जो हरियाणा बॉर्डर पर लगता है। जय भगवान बीए फर्स्ट ईयर में अध्ययनरत है और ये 3 भाई हैं। सबसे बड़ा लोकेश जो इंडियन आर्मी में है, उससे छोटा अविनाश जो बीएससी नर्सिंग में अध्ययनरत है और सबसे छोटा जय भगवान जो बीए फर्स्ट ईयर में अध्ययनरत है। जिला प्रमुख नीलम अनिल रायपुरिया, चेतरा महलावत, ओमवीर महलावत, विजय सिंह महलावत, एमपीएस रमन, मुकेश नंदराम, विक्रम पूनिया, सोनू कुकी महपाल, राकेश नरेश पूनिया, लाला राम, हरी नेहरा, राहुल यादव, अनिल दायमा, बबलू, भरत सिंह आदि बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। अलवर के मुंडावर से अनिल कुमार की रिपोर्ट।